निकलकर सुबह 5:30 बजे लेट के आते फांसी कैसे लगती है, हैं। लेट के फांसी कैसे लगती है? उसको मैंने उतारा है, आपने उतारा है? हमने अच्छा उतारा है, शिव कुमार ने उतारा है, फंदा खोला है। पैराग्राफ नंबर 4 लॉर्डशिप, आप पढ़िएगा ठीक है, मैं यहीं से पढ़ दू। दिनांक लिखिए लॉर्डशिप। जी। लॉर्डशिप, दिस इज द फर्स्ट बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ द एप्लीकेंट्स। जी Lordship, the entire case is based on circumstantial evidence. Conviction is under 302. जी Lordship, I begin my case with Exhibit P6. Exhibit P6 is the FIR lodged by PW1, थाना प्रभारी, ऑन द रिपोर्ट ऑफ ग्राम कोटवार PW2. डेट ऑफ इंसिडेंस इज 18/6/2020 एट 6:30 एंड डेट ऑफ रिपोर्ट इज 19/6 एट 001 12 बजे, 12:12. आज दिनांक जांच करता अधिकारी बडवारा कटनी में, मैं ग्राम बरचोरा में रहता हूँ, कृषि का काम करता हूँ, ग्राम कोटवार भी हूँ। आज दिनांक 18/6/2020 को मैं घर पर था, उसी दौरान गांव के लोगों से जानकारी लगी कि रामकृष्ण पटेल की पत्नी अपने घर के पलंग पर मृत अवस्था पर पड़ी है। तब मैं मौके पर जाके देखा तो रामकृष्ण पटेल की पत्नी अपने कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ी है। मृतिका की शरीर पर कोई जाहिर चोट वगैरह के निशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन गले में रगड़ जैसा कुछ निशान दिख रहे थे। मृतिका राकेश बाई की पटेल की मृत्यु कैसी हुई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ओम प्रकाश कोटवार PW2। PW2 नाउ लॉर्डशिप, PW2 बाद में आएंगे। यस, पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम में आया है लॉर्डशिप, काइंडली सी, पोस्टमार्टम इज P10, एग्जिबिट P10, P10A, यस। में क्या लिखा है, पढ़िएगा। Exhibit P10, it says, pair of trachea preserved, no external injuries seen above the body, and she died because... मैडम कहाँ पढ़ रही हैं आप? P10, Exhibit P10. Body of P10, body of average weight. Body of the average weight, yes. इंजरीज के हैं, कंफ्यूजन मार्क 1 सेंटीमीटर, 1 into 3 सेंटीमीटर, 1 into 3 सेंटीमीटर. कोर्ट को गुमराह करके कुछ नहीं पा पाएंगे, कभी भी नहीं पा पाएंगे, ठीक है? हम तो वैसे ही नहीं, वो तो साहब खुद ही देख ही हुए हैं गुमराह करने, खुद ही देख के। आप लोग नहीं आते तो भी अगर केस बनता है सस्पेंशन का तो हम देख के खुद ही कर देते। दैट आई एम ऑब्जर्विंग सर, दैट आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है। बॉडी ऑफ एवरेज वेट फीमेल लाइंग ऑन पीएम टेबल राइजिंग, आईज क्लोज, माउथ, दिस कंट्यूशन मार्क ऑफ 1 into 3 सेंटीमीटर, 1 into 2.5 into 1 into 3 सेंटीमीटर, एंटी लेफ्ट साइड नेक 1 point, इतना इतना पार्ट नेक, underlying acanthosis, acanthosis, because of this only I have been convicted. Internal bleeding, trachea ring injury, pair of trachea preserves. Cause of death, देखिए. Cause of death. Opinion. This cause of death is asphyxia. Yes. Due to strangulation. चलिए. Dead body जो photographs पे आ जाइए, वो पलंग पर लेटी हुई dead body है, ठीक है? आपके घर के अंदर कोई आ गया तो आपको बताना पड़ेगा 452 कैसे हुआ, कौन घुसा था घर में। मैंने बताया है, गुनाह आपके ऊपर है, बताया आपने। 313 में भी बताया मैंने, इंडिपेंडेंट विटनेस ने भी बताया है। चलिए देखते हैं अपन क्या कहा उन्होंने। यस, तो PW3 पे आती हूँ सर। आपने किसको एग्जामिन किया डिफेंस में? डिफेंस में नहीं, इनके प्रोसिक्यूशन विटनेस जो नेबर है शिव कुमार चक्रवर्ती, ही हैज हिमसेल्फ डिपोज्ड दिस। अच्छा, क्या कहा शिव कुमार जी ने, क्या कहा, पढ़िएगा। यस, शिव कुमार जी का शुरू से ही पढ़ू सर? यस, यहाँ से आपको बताना है, नहीं रिलेवेंट पढ़िए। मैं तो रिलेवेंट ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश जब करेंगे जब आप घर से पढ़ के आएंगे। पढ़ा है सर। अच्छा, पूरा पढ़ा है। तो मैं इसमें ये पढ़ूंगी सर, शिव कुमार पटेल का पैराग्राफ नंबर 4। यस यस, ये इसका पैराग्राफ नंबर 1 भी पढ़ देते, किसने फांसी लगाई थी। 18 जून, पैराग्राफ नंबर 1 थर्ड लाइन, 18 जून 2018 को जब मैं अपने घर से निकलकर सुबह 5:30 बजे, लेट के फांसी कैसे लगती है? लेट के फांसी कैसे लगती है? उसको मैंने उतारा है, आपने उतारा है, हमने उतारा है, शिव कुमार ने उतारा है, फंदा खोला है। पैराग्राफ नंबर 4 लॉर्डशिप,
हाँ पढ़िएगा। ठीक है, मैं यहीं से पढ़ती। दिनांक 18/6/2020 को मैं और रामकृष्ण पटेल धान के थराहा में पानी लगाकर गांव लौटे थे। मेरे से रामकृष्ण ने कहा था कि चाय पी लो, तो रामकृष्ण अपने घर के दरवाजे के पास जाता है और आवाज दिया तो दरवाजा अंदर से बंद था। फिर हमने खिड़की से देखा तो काले कलर के गमछे में से मृतका फांसी लगाकर लटकी हुई थी। फिर हम लोगों ने दरवाजा तोड़, फिर रामकृष्ण ने सहारा देकर उठाया और मैंने गमछा ऊपर से खोला। फिर रामकृष्ण ने कई जगह फोन लगाया था और मैं अपने घर उक्त बात की जानकारी देने गया। रामकृष्ण की बड़ी बेटी अपने नाना नानी के यहाँ थी। जब हम सुबह जा रहे थे तब रामकृष्ण की बीवी अर्थात दे वेंट टुगेदर लॉर्डशिप ठीक चलिए अर्थात मृतिका की छोटी बेटी को बाजू में बैठाए पर्ची पर शी वाज ब्रशिंग। रामकृष्ण ने अपने ससुराल में घटना के संबंध में फोन कर दिया था जिस पर से वे लोग आ गए थे और उन्होंने थाने में ये किया था। नाउ लॉर्डशिप एज फार एज मदर इज कंसर्न शी हैज कम व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ हर कमिटिंग सुसाइड। देयर वाज नो डिस्प्यूट बिटवीन द मदर फादर ब्रदर हैव नॉट सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन केस होस्टाइल एंड दे हैव कम विद द स्टोरी PW4 लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 5। यस सर, जब आप लोगों ने उतार लिया yes. ठीक है ना? यस सर, तो ये जो एग्जिबिट P2 है yes, sir. मर्ग इंटीमेशन लॉर्डशिप जी, इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर कोटवार है। मर्ग इंटीमेशन का, मर्ग इंटीमेशन का ऑथर, रुक जाइए। आपने सूचना क्यों नहीं दी सर? इसने फांसी लगाई और ये तो फांसी लगाई, आप तो थे नहीं। नहीं, हम लौट के आए, नहीं तो हमने तो उतारा है उसको। हाँ, उतारने के बाद में यस हमने इमीडिएटली घर वालों को फोन किया। अच्छा। घर वालों ने रिपोर्ट नहीं किया, हमने इनके मदर फादर को रिपोर्ट इमीडिएटली कर दिया, फोन करके बुलाया रिपोर्ट। और रिपोर्ट अच्छा, इस इंसिडेंट की रिपोर्ट मदर फादर को होती है इमीडिएटली, सूचना होती है सूचना। सर मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। अच्छा, यू आर अंडर शॉक सर, यू आर अंडर शॉक Certainly, sir. और ये जो जो आपका गवाह है ये भी शॉक में चला गया होगा, पड़ोसी जो है वो तो हॉस्टाइल हो गया। वो तो हॉस्टाइल हो गया। कोटवार जो है जिसने वो दिए उसका आप देख लीजिए। हाँ, PW PW2 हाँ, the person who has given, he has also not supported the prosecution case। मैं ग्राम कोटवार के पद पर इतने मुझे पता चला कि श्रीमती राकेश बाई की मृत्यु हो चुकी है, गांव में पुलिस आ चुकी है। फिर मुझे पता चला कि रामकृष्ण को लेकर थाने गई है। मेरे द्वारा पुलिस को श्रीमती राकेश बाई की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई। पुलिस घटना के मौके नक्शा मेरे सामने तैयार नहीं किया गया, इसमें मेरे हस्ताक्षर हैं। नाउ लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 7 साक्षी, पैराग्राफ नंबर 7 लास्ट थर्ड लाइन, साक्षी ने स्वतः कहा कि पुलिस ने कहा कि तुम गांव के कोटवार हो, तुम्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तो मैंने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया। मैं हस्ताक्षर का महत्व समझता हूं। सो कोटवार हैज द पुलिस व्हेन इट केम ऑन द स्पॉट, वी हैव इंटीमेटेड द मैटर टू ऑल द कंसर्न एंड दीस पर्संस हैव नॉट लॉज्ड FIR, दे हैव नॉट। एक मिनट, एक मिनट। यस सर, जो काला गमछा था यस सर PW, वो उसकी जब्ती कहां है? उसकी है, उसकी जब्ती बताइएगा। एग्जिबिट दैट इज एग्जिबिट सर, हां वो ये सब आ रहा है, ऐसे ही आपका रिव्यू तो मैंने पूछा था। इसकी एग्जिबिट है P8। P8 यस, सीजर मेमो विटनेस हैज नॉट सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन। सीजर मेमो तो विटनेस कोई सपोर्ट नहीं करता, सब पॉकेट विटनेस रहते हैं सर। कैसे केस बनाए तो माय लॉर्ड नोज हाउ दे prosecution makes the case। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। P8 प्रॉपर्टी से
अब डॉक्टर ने क्या कहा भाई? यस डॉक्टर इज लॉर्डशिप पीडब्ल्यू 12 पीडब्ल्यू 12 डॉक्टर ने कहा है कि मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुए, ये मैंने एग्जिबिट पी 10 ए में कहा है। लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर 5 क्रॉस एग्जाम रुक जाइए, सजेशन दिया तो था आपने, उसको डिनाई कर दिया उसने। नहीं, उसने ये कहा है सर, यह सही है कि पुलिस ने मुझसे कोई क्यूरी नहीं मांगी थी, यह सही है कि हैंगिंग में कंट्यूशन के निशान आते हैं लेकिन पार्शली नहीं आते हैं, यह सही है कि इस कारण मैं हैंग इस प्रकरण में हैंगिंग पूर्ण नहीं हुई थी, इसमें हैंगिंग पूर्ण हुई नहीं थी, दैट इज वाई द कंट्यूशन। फिर यह भी कहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन, यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति लटका हो तो उसे खोलकर उतारने के दौरान इस तरह के कंट्यूशन आ सकते हैं, यही हमारा केस है लॉर्डशिप। अच्छा ठीक। एंड इन 313 आई हैव रिपीटेड द सेम थिंग, 313 की डिफेंस में यही मेरा कहना है क्या कि मैं इनके साथ गया था पीडब्ल्यू 4 के साथ धान में, और धान से जब इफ माय लॉर्ड विल सी द रियल कंटेंशन पीडब्ल्यू लॉर्डशिप पीडब्ल्यू 4 में काइंडली बी सीन द मदर मदर के पैराग्राफ नंबर 5, यह सही है कि मृतका अपने ससुराल में 4-5 साल से रह रही है, यह सही है कि उप 4-5 साल के दौरान अपनी पुत्री के ससुराल नहीं गई, स्वतः कहा रामकृष्ण पुत्री को मोटरसाइकिल पे हमारे आता था, मुलाकात के बाद वापस ले जाता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मृतका राकेश बाई की बड़ी पुत्री महक मेरे पास करीब 7-8 साल से रहती है, 7-8 साल रहती है, यह सही है कि आरोपी रामकृष्ण ने मुझसे व मेरे परिवार वालों से महक को अपने घर ले जाने के लिए कहा था लेकिन हम लोगों ने महक को नहीं दिए और कहा कि महक को यहीं पढ़ाएंगे। मृतिका राकेश अपनी बड़ी अपनी पुत्री महक को देखने के लिए अपने साथ ले जाता था, बाद में पहुंचा देता। दिस वॉज द रीजन लॉर्डशिप दैट द डिसीज्ड वॉज अपसेट बिकॉज शी वॉज अवे फ्रॉम द एल्डेस्ट डॉटर एंड शी वॉज टेकन अवे बाय हर पेरेंट्स, she was not being returned, this was the reason why the entire family, it is not a small family, inke mother aur inke bhai sab wahi rehte aaju baju mein aur inka mother father and brother ne have stated in the deposition ki inke beech mein koi vivad nahi tha, there is no reason that I will do any wrong, yeh sahi hai ki mere parivar se aur meri putri rakesh bhai se abhyukt ramkrishna rakesh ki mrityu ke poorv koi vivad nahi tha, यह भी सही है कि हम लोगों ने थाने में जाकर कोई रिपोर्ट नहीं की। फादर इज ऑल्सो रिपीटिंग द सेम थिंग सर। यह सही है कि वर्ष 2012 से जून 2020 तक मेरी पुत्री राकेश निर्विवादित रूप से रामकृष्ण के साथ घर में आती जाती थी और अपने ससुराल में रहती थी, यह सही है कि मैंने अपनी पुत्री राकेश भाई और आरोपी रामकृष्ण के मध्य कोई विवाद होते हुए नहीं देखा और नहीं सुना। ट्रायल कोर्ट हैज सेड दैट बिकॉज ऑफ डाउरी डिमांड शी हैज आई हैव डन दिस एक्ट एंड बिकॉज ऑफ एस्फेशिया नो पैराग्राफ नंबर 35 एकिमोसिस The theory is more per it is inclination of the theory of suicide is more than of as the suicide strangulation is more that of suicide and therefore disbelieves the version lordship, whereas all the witnesses have not supported, none of the witnesses have supported the prosecution case, the circumstances also speak to itself and demonstrate I have not done this. 313 mein maine specifically yahi defense liya hai. अवनेश कुमार ने सीन ऑफ क्राइम का बनाया है सर और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो भी बनाया गया हमने ऑफिस में बैठ के ही बनाया है। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट हुई थी 174 पे और उसके बाद देयर आफ्टर अननोन के खिलाफ इन्हें वो किया एंड इट फॉलोड।
यस सॉरी क्या चाहते हैं इसके बाद वो मेंशन केस ले लेना भाई 64 नंबर पॉइंट ये क्या है और इनको दिल्ली में एडमिट कर देंगे काउंसिल थ्रू पार्टीज श्रीमती स्मिता वर्मा सो सम लिबर्टी में भी गिवन नो लिबर्टी After arguing for some time and unable to convince this court, especially in view of evidence of PW, withdraw करेंगे sir. Praise for withdrawal of IS 6014/23. Accordingly, IS dismissed as withdrawn. 4.1.